खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज से जानना चाहेंगे जो बंद बुलाया गया है इसकी क्या स्थिति है ताजा, मतलब लोगों का कितना समर्थन इस बंद को दिया जा रहा है? आरती, बता दूं कि मैं कुछ एक जगहों को छोड़कर जैसलमेर पूरा मार्केट बंद नजर आ रहा है। लोगों का रुझान संघ की ओर रहा है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां पर जो वर्तमान परिस्थितियों को लेकर संघ के इस बंद को लेकर विरोध भी है। आपको बता दूं, जहां गांधी चौक में अभी कुछ समय पूर्व ही तनातनी का माहौल था बंद को लेकर, लेकिन पुलिस अधीक्षक गौरव यादव व डिप्टी नरेंद्र दवे के द्वारा उस तनाव को नियंत्रित किया गया। खुद पुलिस अधीक्षक है जो पूरा ही मौका वारदात और पूरे शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ लोगों के द्वारा दुकानें खोली गई है स्वेच्छा से। वो है जो टूरिस्ट पैलेस है उसके आसपास की दुकानें खुली है। जी आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता प्रवीण, जिन्होंने हमें बताया कि जैसलमेर में बंद का आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वही मार्केट बंद है, 12 बजे तक है। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक।